हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का इंग्लिश का उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो इसलिए आज की इस क्लास को आपको किसी भी हाल में नहीं मिस करना है, क्योंकि हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कम्प्लीट करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा और क्लास को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। और आप लोग अगर डीएलएड को हर हाल में करेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लासेस होती है डीएलएड से रिलेटेड। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे। और इससे पहले हम लोग ने इंग्लिश का 3 क्लास ले चुका है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कराया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 से आगे कंप्लीट करेंगे। तो आपको आज की इस क्लास में कंटिन्यू बने रहना। दिखा तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। और आप लोग अगर आंसर बताओगे तो आप लोग साथ साथ में अपना आंसर देते चलेगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको आंसर पता है या नहीं पता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 81 है आ चुका है, और जो क्वेश्चन का जो यहाँ पे पैटर्न है आपको इसी पैटर्न पर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग को थोड़ा समझना भी है और आपको एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 81 आ चुका है। स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। यहाँ पे आपको बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी हमारा क्या होगा, एवव का यूज होगा। तो आप सबको एवव का यूज पता ही है कि एवव का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, यानी कोई जब चीज़ क्या होता है ऊपर में होता है, यानी किसी के टच में नहीं होता है, वो ऊपर में होता है, तो वहाँ पे हम लोग का यूज करते हैं किसका, एवव का यूज करते हैं। तो आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, और आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्या बोला जा रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड। जी हाँ, मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बता दिया था, अगर आपने पिछला क्लास किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए, यहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को बताने की कौन से यहाँ पे इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे जो 82 में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये टू बी एडमायर्ड। जी हाँ, यहाँ पे जो टू बी एडमायर्ड है ये हमारा क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब नहीं है। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो 83 की ओर आ चुके हैं, क्या बोला जाए 83 में, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडियम्स, यानी जो हमारे यहाँ पे एडियम्स दिया हुआ ए कीन टू। जी हाँ, इसका यानी बताने की कौन सा यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है। तो 83 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तो बी क्यों होगा, क्योंकि जो हमें ए कीन टू का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इसका मीनिंग होता है यानी किसी के समान। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सिमिलर टू समथिंग, यानी इसका भी मीनिंग क्या होता है, यानी किसी के समान। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपका कोई ईडियम्स या कोई भी फ्रेज दिया रहता है, पहले आपको उसको मीनिंग को समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में आपको आंसर को टिक करने हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ तो 84 भी आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है मेरे साथ साथ में। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करने हैं, इस जो सेंटेंस दिया इसका आपको पैसिव वॉइस यूज करने की कौन सा पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है इन एक्टिव वॉइस में, ये क्या है हमारा, वॉज वॉचिंग, यानी ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, जब भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस में यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आता है, यानी वर्ब फॉर्म में क्या आता है, सबसे पहले वॉज आता है, उसके बाद वॉज के साथ में हमारा क्या आता है, यानी बीइंग लगता है। जी हाँ, आपने पढ़ा होगा कि जो भी कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो फ्यूचर में हो, पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, वहाँ पे हमारा क्या लगता है, बीइंग का यूज होता है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले वाज आएगा, उसके बाद में लग जाएगा बीइंग, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं टेलीविजन वाज बीइंग वॉज्ड बाई हिम इन द मॉर्निंग हो जाएगा। इसलिए जो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 85। जी हाँ, तो 85 भी आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट कनेक्टर। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक करेक्ट कनेक्टर से क्या करना है, इस सेंटेंस को फिर क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। तो आप सबको बताया कि जो कनेक्टर का काम होता है वो दो यानी सेंटेंस को जोड़ने का काम होता है। यहाँ पे जो हमारा 85 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ये क्या होगा, हाउएवर। हाउएवर का यूज अभी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में एक तरह का कॉन्ट्रास्ट का यूज किया गया है, यानी कॉन्ट्रास्ट का बोध हुआ है, तो कॉन्ट्रास्ट के बोध के लिए यहाँ पे क्या होगा, यानी हमारा हाउ एवर का यूज किया जाएगा। जी हाँ, यानी कॉन्ट्रास्ट मतलब यानी एक दूसरे का यानी विषमता दिखाने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाउ एवर का यूज किया जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 86। जी हाँ, तो 86 भी स्क्रीन पर आ चुका है, बोला जा रहा है विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन व्हेन समवन स्पीक्स। जी हाँ, यानी कौन सा पंक्चुएशन मार्क होता है जब कोई आदमी बोलता है उसके लिए यूज होता है। तो आप सब बताया कि जब कोई बोलता है यानी कोई सवाल करता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क। चलिए,
तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 87 को। जी हाँ, तो 87 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन से इसको आपको इस सेंटेंस को फिल करने हैं। नीदर गर्ल डैश रेडी टू सिंग, यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा। तो 87 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जी हाँ, ए क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 87 में हमारा जो नीदर के बाद जो आया है वो गर्ल, गर्ल क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। जी हाँ, और सिंगुलर नाउन के साथ में हमेशा क्या आता है? इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड दी रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज। जी हाँ, यानी यहाँ पे जो अंडरलाइन एक सेंटेंस किया हुआ है आपको इसको बताने हैं कि ये हमारा यानी इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो 88 में दिया हुआ है, ये सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड, यानी ये जो हमारा है किस में है? ये पास्ट इंडिफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट में। उसके बाद में जो हमारा अंडरलाइंड सेंटेंस दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन हैड बिन क्लोज, यानी हैड का यूज हुआ है, उसके साथ में हमारा क्या लगा है? बिन लगा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा हैड कहाँ लगता है? पास्ट में लगता है। और पास्ट अगर हैड के साथ में क्या लगता है? बिन लग जाता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने, आपको टेंस को बचाने हैं, तब आपका जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 हो चुका है, अब 89 को देख लेते हैं। तो 89 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस इफ द कार हैडंट स्टार्टेड इन टाइम वी डैश लेट फॉर स्कूल। जी हाँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेंटेंस को देखने की, जो हमारा इफ क्लाउज है वो पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। इसलिए जो हमारा यहाँ पे मेन क्लाउज हो जाएगा, यानी जो हमारे यहाँ पे मेन जो क्लाउज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? यानी उसमें वुड हैव बीन का प्रयोग होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वुड हैव बीन। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 90। जी हाँ, 89 हो चुका है, आप 90 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 90 भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको उसको समझना है, ताकि आपका इसी पैटर्न से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपका ना छूटे। तो फिलहाल यहाँ पे 90 देख लीजिए क्या बोला जाए। 90 में सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या करना है? चूज करना है। और यहाँ पे इसको यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है कि शिबा इज ए वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना। इस ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं, और यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उसको आपको पुट करने हैं। तो यहाँ पे जो 90 में जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? यानी वो पास्ट टेंस में दिया हुआ है। चलिए उसलिए जो आपके अनुसार जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी टोल्ड अस हो जाएगा। जी हाँ, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है किसमें? ये पास्ट में। इसलिए जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? टोल्ड अस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 91। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे 90 को भी सॉल्व कर लिया, अब 91 को देखते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, तो आपको लाइक हर हाल में कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा सके। और आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग डेली क्लास में इसी तरह से ज्वाइन हो सके और आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर सकें। फिलहाल 91 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 91 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है? इस ब्लैंक को इन्हें क्या करना है? फिल करना है एक सुटेबल ऑप्शन से। कस्तूरी इज पुअर, ही डज नॉट रिसोर्ट टू बेगिंग टू सर्वाइव। तो यहाँ पे बताने की कौन सा ऑप्शन आएगा? तो यहाँ पे 91 में जो हमारा ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी हाउ एवर। यहाँ पे हाउ एवर का यूज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वाक्य के अर्थ के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हाउ एवर का यूज होता है वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, यानी विषमता को दिखाने के लिए यूज होता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यानी हाउ एवर, इसका मतलब क्या होता है? या तथापि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्या बोला जा रहा है? पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन दी सेंटेंस गिवन बिलो, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक नॉन फाइनाइट वर्ब को चूज करना है कौन सा होगा। तो 92 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, जो टू स्पीक है ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं। इफ यू हैड टोल्ड हर द सीक्रेट शी डैश इट अवे। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग एक कंडीशनल सेंटेंस बनाइए, यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो फिर 93 में जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड हैव गिवन आ जाएगा। यहाँ पे वुड हैव गिवन क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे इफ क्लाउज है वो किस में दिया हुआ है? ये परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है।
इसलिए जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज में जो हमारा मेन क्लॉज यहाँ दिया हुआ है उसमें हमारा आ जाएगा वुड हैव बीन, इसलिए ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 क्या बोला जा रहा है, 94 में देखिए और सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको एक चूज करने हैं जो इसका यानी क्या होगा पैसिव वॉइस होगा इस सेंटेंस का। मेनी पीपल अपोज्ड दिस, जी हाँ, तो हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखिए कि ये कौन से टेंस में दिया हुआ है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दिया हुआ है, और जब भी पास्ट इंडिफिनिट से हम लोग क्या करते हैं उसको पैसिव में चेंज करते हैं, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी वाज आता है, उसके साथ में हमारा क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि कौन से ऑप्शन में वाज दिया हुआ, उसके साथ में हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, यानी वाज भी है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी अपोज का अपोज्ड हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दिस वाज अपोज्ड बाय मेनी पीपल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 क्या बोला जाए 95 में, चलिए आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द idiom, यहाँ पे बताया है कि जो idiom दिया हुआ है इसका कौन से यहाँ पे बेस्ट है मीनिंग है बताने हैं। तो यहाँ पे जो ब्लाइंड टू दिया हुआ है, तो ब्लाइंड टू का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ब्लाइंड टू का मीनिंग होता है वो होता है नजरअंदाज करना। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी यानी इग्नोरिंग समथिंग, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 95 में। चलिए, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन जो आता है यही क्वेश्चन आता है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी सारे मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैं आपको वही क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ क्योंकि जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग पेपर उड़ा के देखेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96, तो यहाँ पे 96 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन इसको फिल करने हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, एवरीवन डैश रिवार्डेड, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 96 में वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा वाज आ जाएगा। यहाँ पे आप वाज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एवरीवन है, एवरीवन के बाद क्या आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब के रूप में हमारा वाज आएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, तो 97 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हाइफन इन ए सेंटेंस। जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि जो हाइफन होता है यानी जो ये हाइफन है इसका क्या होता है पर्पस यानी किस लिए ये सेंटेंस में आता है, तो 97 में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्हें टू ज्वाइन वर्ड्स टुगेदर, यानी वर्ड्स को यानी शब्द को क्या करने जोड़ने के लिए इसका हाइफन का यूज़ किया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98, तो 98 भी आ चुका है स्क्रीन पर, बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन से इसको फिल करने हैं। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक्रॉस का यूज होगा। जी हाँ, एक्रॉस का यूज कहाँ पे होता है, जब किसी का यानी एक छोर से दूसरी छोर के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, एक्रॉस का यूज करते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99, तो 99 भी स्क्रीन पे आ चुका, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, Nobody will believe you unless you always dash the truth। यहाँ पे आपको इसको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं और यहाँ पे आंसर को पुट करने कौन सा आएगा, तो 99 में करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने क्या आएगा, टेल का यूज होगा। यहाँ पे टेल का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अनलेस है, अनलेस के विल का यूज हुआ है, इसलिए एक सेंटेंस किसमें है, ये फ्यूचर में है, इसलिए जो हमारा आंसर है अनलेस के बाद हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा ये टेल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 99 हो चुका है, 100 को देख लेते हैं, तो 100 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक करेक्ट पंक्चुएशन मार्क यूज किया गया है, तो आप देखेंगे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ये भी बिल्कुल क्या है करेक्ट है। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे जो दिया हुआ है आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये भी हमारा क्या है एक करेक्ट यानी पंक्चुएशन मार्क यूज है, टू बी कंटिन्यूड, इसमें भी क्या है करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 101, तो क्वेश्चन 101 स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं और पुट करने कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो 101 में जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा,
चलिए तो इस क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो कंडीशनल टाइप वन में, यानी जो कंडीशनल टाइप वन में, उसमें जो इफ क्लॉज है वो किस में होता है, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो हमारा मेन क्लॉज होता है वो किस में होता है, ये फ्यूचर टेंस में होता है। इसलिए जब प्रेजेंट टेंस में हमारा यहाँ पे क्या होगा, इफ क्लॉज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इफ यू डिलीट एन ईमेल इट विल स्टे इन योर ट्रेस फॉर 30 डेज। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन 102 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही डैश द बेस्ट प्लेयर इन द टीम ही वुड नॉट हैव अर्न सो मच। यहाँ पे बताने कि कौन सा ऑप्शन आएगा 102 में। यहाँ पे आपको देखने की जो हमारा मेन क्लॉज है वो किस में है, यानी वुड नॉट हैव, उसके बाद साथ में वर्ब का 3 लगाया जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो मेन क्लॉज है उसमें वुड नॉट लगा है, उसके साथ में यहाँ पे हैव लगा है, उसके साथ में यहाँ पे वर्ब का 3rd फॉर्म यानी अर्न लगा है। इसलिए जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी हमारा हैड नॉट बीन का प्रयोग होगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103। तो 103 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idiom, यानी यहाँ पे idiom दिया हुआ है लुक डाउन अपॉन, इसका यहाँ पे कौन सा अल्टरनेटिव होगा वो बताने हैं। तो 103 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, दिखाने क्या हो जाएगा, रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, यानी इसका मीनिंग हमें आपको बता दूं, इसका मीनिंग होता है यानी किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा रिगार्ड विद कॉन्टेम्प्ट, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 104। तो ये 104 भी आ चुका है स्क्रीन पे, बोला जा रहा है सेलेक्ट दी अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द idioms। जी हाँ, आपको इस idioms का भी अब एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने कौन सा आएगा, तो गो डाउन, जो गो डाउन का जो मीनिंग होता है उसका क्या होता है, यानी कम होना या घटना। इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू बी रिड्यूस, इसका भी मीनिंग क्या होता है, यानी कम होना या घटना होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 105। तो 105 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपको इसको फिल करने हैं, द अरेबियन नाइट्स डैश ए वंडरफुल बुक। जी हाँ, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिन्हें यहाँ पे क्या आएगा, इसका यूज होगा। इसका यूज क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स है, ये क्या है, ये बुक का एक हेडलाइन है, द बुक का हेडलाइन है, तो यहाँ क्या है, सिंगुलर में, तो इसलिए जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये इसका प्रयोग होगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे नाइट्स है, आपको इसको नहीं देखने नाइट्स को, क्योंकि ये क्या है कि हेडलाइन है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 106। तो 106 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन दी सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में क्या करने हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या करने हैं, पिक आउट करने हैं, चूज करने हैं, निकालने हैं आपको। तो यहाँ पे जो 106 में जो आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका हियरिंग, यानी यहाँ पे हियरिंग है, ये क्या है हमारा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 107। हम लोगों ने यहाँ पे 6 को कर लिया, अब हम लोग क्या देख लेंगे, 107 को देख लेंगे। और जैसा कि अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आपको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और अपने फ्रेंड में शेयर कर देना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 107 को देख लीजिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस फॉर्म का यूज हुआ है वो आपको बताने हैं। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आया है हमारा, आर के साथ में हमारे यहाँ पे क्या लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है। तो यहाँ पे आर के साथ में आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में लगता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। इसलिए जो हमारा टेंस हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108। तो 108 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको इस सेंटेंस का क्या करना है, पैसिव वॉइस चूज करने की कौन सा करेक्ट होगा, लव योर कंट्री। जी हाँ, यहाँ पे जो एक लव योर कंट्री है, इसका आप लोग मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा कि यानी अपने कंट्री से प्यार करो, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को सलाह देते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज होता है। जी हाँ, शुड के यूज के साथ में क्या लगता है, बी लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने शुड का यूज क्यों किया, क्योंकि जब भी आप किसी को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, जब उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, शुड आ जाता है, और शुड के साथ में हमारा क्या लग जाता है, बी लग जाता है, और वर्ब का 3rd फॉर्म तो वो होता ही है हर पैसिव वॉइस में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 109। तो 109 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक क्या करना है, इसको
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से इसको इस सेंटेंस को पूरा करने हैं, बनाने हैं। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे जो 109 है इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी हैव बीन वर्किंग। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या आता है, यानी परफेक्ट में हमारा हैव का यूज होता है, और जब हैव का यूज होता है उसके साथ में क्या लग जाता है, बिन लग जाता है, और बिन के साथ में हमारा क्या आता है, आई एन जी का फॉर्म आता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव उसके साथ में हमारा आएगा क्या, बिन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी आई एन जी वाला फॉर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 110 क्या बोला जाए इसमें, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ट्राई अवॉइडिंग बींग लेट। यहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को चूज करने कौन सा हो जाएगा, तो 110 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अवॉइडिंग, ये क्या है हमारा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 को, ये भी आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स। आपको बताना है कि जो इडियम्स दिया हुआ है इसका कौन सा यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे हमारा इडियम्स क्या दिया हुआ है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी मूसलाधार बारिश। जी हाँ, इसका मीनिंग होता है मूसलाधार बारिश। तो यहाँ पे आपको देखने की कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यानी सेम मीनिंग वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, देखा नहीं, रेनिंग हैवीली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 112, तो 112 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोटेशन मार्क इन ए सेंटेंस। जी हाँ, जो कोटेशन मार्क है इसका क्या पर्पस होता है सेंटेंस में वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिखा नहीं, टू शॉर्ट डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 113। यहाँ पे 113 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है इसमें, और यहाँ पे आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, एक मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करने हैं, यहाँ पे कौन सा आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू ईटन टुडे, मदर आस्क्ड, मदर आस्क्ड भी हाउ मेनी एप्पल्स दैट डे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो आपको बताने हैं। यहाँ पे जो 113 में जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हुआ, यानी आई हैड ईटन। अभी आई हैड ईटन क्यों आएगा, यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में, यानी जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो आस्क्ड है, वो किस में है, ये पास्ट में है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पास्ट में भी है और इसमें क्या है, ये इंट्रोगेटिव में भी है। इसलिए जो हमारा मीनिंग जो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114। तो यहाँ पे 14 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक करेक्ट ऑप्शन से फिल करने हैं इस सेंटेंस को। द प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग, यहाँ पे बताने कि इसके बाद में कौन सा ऑप्शन आएगा। जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे, यहाँ पे होता है एक वर्ड होता है ग्रो, यानी गो अप, क्या होता है गो अप, जिसका मीनिंग क्या होता है, यानी बढ़ना, इसका मीनिंग क्या होता है, बढ़ना होता है। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है इसमें एक वर्ड आया स्टिल, जिसका मतलब होता है कि नहीं अभी भी। तो जब स्टिल का यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे मन ये लग रहा है कि अभी भी जो प्राइस है वो क्या है, वो बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वो आपका यूज होगा, नहीं क्या हो जाएगा, गोइंग अप। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 115। तो यहाँ पे 15 भी आ चुका है, इसके लिए बोला जा रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। चलिए यहाँ पे भी आपको एक सेंटेंस बनाने, कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ पे आंसर को पुट करने की कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो 115 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखाने क्या आएगा, बाउट आएगा। यहाँ पे बाउट क्यों आएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन क्लॉज है उसमें यहाँ पे क्या होगा, कुड का यूज हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो मेन क्लॉज में किसका यूज हुआ है, कुड का यूज हुआ है, जो कि ये क्या है, ये पास्ट फॉर्म है। इसलिए हमारा इफ क्लॉज में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट आएगा। जब सिंपल पास्ट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यानी सेकंड फॉर्म का, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पे बाउ का क्या, यानी बाय का क्या हो जाएगा, यानी बाउट हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 116 क्या बोला जाएगा 16 में, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन व्हेन समवन स्पीक्स। जी हाँ, तो कौन सा मार्क, पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है जब कोई क्या करता है, स्पीक्स, यानी जब कोई बोलता है, सवाल करता है। तो यहाँ पे हमने बता चुका है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है उसका यूज होता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 क्या बोला जाए 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। जी हाँ, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सब में क्या है, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 118 क्या बोला जाए 18 में,
फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो आपके यहाँ पे फिल करने कौन सा यानी करेक्ट ऑप्शन से, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेट टुडे, यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का यूज होगा। आर का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। देखा यानी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल नाउन है। जब भी क्या होता है प्लूरल नाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी आर का यूज करते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पे प्लूरल नाउन क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे एक निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, यानी हमको पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाए 19 में, कंबाइन द सेंटेंसेज विद सुटेबल ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है एक सुटेबल ऑप्शन से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 19 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखने क्या देगा, यानी येट का यूज होगा। यहाँ पे येट का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग क्या करेंगे, अर्थ वाक्य का अर्थ निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, येट आएगा। जी हाँ, येट का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। यहाँ पे क्या आएगा, के बावजूद, यानी इसके बावजूद मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। यानी क्या बोला जा रहा है कि मेनी स्टूडेंट कंप्लेंट दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, कंप्लेंट किया कि जो टेस्ट था वो क्या क्या था, काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी कठिन था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, यानी इस प्रकार मैनेज किया कि उसको अच्छे मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स स्कोर किया उन्होंने। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, येट का यूज होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तो 20 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको इस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करने हैं, जोई डैश फ्रॉम दी वैकेशन जस्ट नाउ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह किसका यूज हुआ है, जस्ट नाउ, जो कि क्या होता है, अभी अभी ये जो काम खत्म हुआ है। जब भी क्या होता है, कभी भी क्रिया अभी भी खत्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यानी क्या है, परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। जब प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी हैज रिटर्न आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 121 क्या बोला था 21 में, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई विल टीच यू इंग्लिश। जी हाँ, इस सेंटेंस का आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने है किसको, पैसिव वॉइस को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस दिया हुआ है। जी हाँ, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को जब भी हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, चाहे तो शेल आता है, चाहे तो विल आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेल विल आएगा, उसके साथ में हमारा क्या आता है, बी आता है। क्या है, विल के साथ में या शेल के साथ में क्या आता है, बी आता है, उसके साथ में हमारा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखने यू विल बी टॉट, और वर्ब का थ्री टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी, इसलिए जब 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताइए यहाँ पे कौन सा एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा दोनों जगह। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू माई सिस्टर सेड। जी हाँ, यहाँ पे इसका जब कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें दिया हुआ है, ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है। जी हाँ, जब पास्ट टेंस में दिया हुआ है, और जो हमारा कथन है वो किसमें हो जाएगा, यानी ये जो सेंटेंस दिया पहला जो कथन है वो किसमें, ये फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है। जी हाँ, जब फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सेड के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, एश्योर्ड आ जाएगा। जी हाँ, क्या आ जाएगा, एश्योर्ड आ जाएगा। उसके बाद में हमारा विल को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, यानी वुड में चेंज कर देंगे। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी माई सिस्टर एश्योर्ड दैट शी वुड हेल्प मी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला था 23 में, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन इसको फिल करने हैं, अलॉट ऑफ वर्क डैश येट टू बी डन। तो यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताने हैं। तो आप लोग सेंटेंस को पहले पढ़िए और यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे जो अलर्ट ऑफ है, तो अलर्ट ऑफ के बाद जो हमारा यहाँ पे आया है वो क्या आया है, एक वर्क आया है। जो वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। जी हाँ, जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी इज हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जी हाँ, तो 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे आपको एक सुटेबल ऑप्शन से इसको फिल करने है, कौन सा होगा, यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी। यहाँ पे 24 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी मेन क्लॉज के बाद में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इफ आ जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इफ यू नीड मी। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 यहाँ पे 25 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है,
फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन इसको फिल कीजिए। द प्रिंसिपल हैज नॉट कम डैश द ऑफिस, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा कौन सा आएगा, चलिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कम टू द ऑफिस, यानी कम टू द ऑफिस मतलब ऑफिस आना, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 से 4 क्लास में हम लोगों ने यानी 125 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इस चारों क्लास को कर लिया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आपने इससे पिछले वाले क्लासेस को नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सारे क्लासेस को कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप लोग को बिल्कुल हर हाल में कर लेना है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी क्वेश्चन में आपको समझने में कोई भी परेशानी होती है या कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस के बाद में आपका जो सीटेट की क्लास होगी वो इसी चैनल पर होगी, इसलिए आपको हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।